कभी सोचा है कि समय भी अलग अलग समय पर चल सकता है? सुनकर कंफ्यूज हो गए ना? वेल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समय के रहस्यों से रूबरू करा रहा हूँ और फिलहाल आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो, राइट? लेकिन मैं और आप, हम दोनों एक ही टाइम फ्रेम में नहीं है। वेल ऑब्वियसली ये एक लाइव स्ट्रीम नहीं है और मैं इस वीडियो को काफी पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मतलब कि जिस समय में मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था वो मेरे लिए तो प्रेजेंट था, लेकिन आपके लिए वो फ्यूचर बनने वाला था। पर इमेजिन करो कि हम सभी किसी बड़े से होटल में फैन मीट कर रहे हैं, तब तो हम सभी के सभी सामने एक ही होटल में, राइट? तो क्या उस समय हम सभी सेम टाइम फ्रेम में होते हैं? वेल जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखो, हम सभी समय को एक सीधी लकीर मानते हैं, मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक कमरे में मौजूद दो लोगों के लिए समय अलग अलग चल सकता है। यकीन नहीं होता तो जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। साल था 1971। जोसेफ हाफेले नाम के एक फिजिसिस्ट और रिचार्ड कीटिंग नाम के एक एस्ट्रोनॉमर 12 सीजियम बीम एटॉमिक क्लॉक्स को खरीदते हैं और उनकी मदद से एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इनमें से 4 एटॉमिक क्लॉक्स को वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी में रख देते हैं और 8 एटॉमिक क्लॉक्स को अपने साथ हवाई यात्रा पर ले जाते हैं। अब पहली बार में वो 4 एटॉमिक क्लॉक्स को लेकर ईस्ट की ओर उड़ान भरते हैं और पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं, और दूसरी बारी में 4 एटॉमिक क्लॉक्स को लेकर वेस्ट की ओर जाते हुए दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। अब क्योंकि हर जगह पर 4 एटॉमिक क्लॉक्स का ही यूज किया गया है, तो हम इन्हें एक इंडिविजुअल क्लॉक मान सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर 4 क्लॉक्स इसीलिए रखा गया था जिससे कि एक सिंगल क्लॉक में किसी भी प्रकार का एरर आने पर एक्सपेरिमेंट के डेटा पर कोई इफेक्ट ना पड़े। पर पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने जो ऑब्जर्व किया वो आपकी इमेजिनेशन पर जरूर इफेक्ट डालने वाला है। दोस्तों, इस हवाई सफर के बाद जब तीनों क्लॉक्स को ऑब्जर्वेटरी में एक साथ रखा जाता है तो तीनों अलग अलग समय बता रहे थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर ऑब्जर्वेटरी में रखी क्लॉक में अभी फिक्स 8 बज रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली क्लॉक में अभी 8 बजने में कुछ समय बचा हुआ था और वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली क्लॉक 8 से आगे निकल चुकी थी। मतलब वैज्ञानिक एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ही देख रहे थे। नाउ देखो, ऑब्वियसली ये डिफरेंस घंटों का नहीं बल्कि सिर्फ कुछ नैनो सेकेंड्स का था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस था तो सही, और इसका रीजन छिपा है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है। मतलब जब प्लेन ईस्ट की तरफ से उड़ रहा था तब उसकी स्पीड जो कि करीब 600 किलोमीटर पर आर की थी, उसके साथ पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड भी एड हो रही थी, जबकि वेस्ट की तरफ जा रहा प्लेन पृथ्वी की रोटेशन के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा था और इसीलिए उसकी स्पीड ईस्ट वाले प्लेन के कंपैरिजन में काफी स्लो थी। अब देखो, अगर हम क्लॉक्स को इंसानों से रिप्लेस कर दे तो ऑब्जर्वेटरी में बैठे इंसानों के लिए ईस्ट की तरफ चलता इंसान तेजी से भाग रहा है और वेस्ट की तरफ चलता इंसान काफी स्लो है। अब आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके टाइम के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो ज्यादा तेज चल रहा है टाइम उसके लिए उतना ही स्लो होता जाएगा, और जो स्लो चल रहा है टाइम उसके लिए फास्ट होगा। नाउ फॉर दैट रीजन, जब तीनों क्लॉक्स को एक साथ ऑब्जर्वेटरी में रखा गया तब वेस्ट डायरेक्शन से ट्रैवल करके आई क्लॉक ऑब्जर्वेटरी में रखे क्लॉक से करीब 273 नैनो सेकेंड्स आगे चल रही थी और ईस्ट डायरेक्शन वाली क्लॉक 59 नैनो सेकेंड्स पीछे चल रही थी। अब दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को हाफिल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं और ये आइंस्टाइन की जनरल और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर मोहर लगाता है। अब अगर ऑब्जर्वेटरी वाली क्लॉक को वेस्ट वाले प्लेन में रख दिया जाता तो इन दोनों क्लॉक्स का टाइम सेम होता और उसे ईस्ट वाले प्लेन में रखा जाता तो वो ईस्ट वाली क्लॉक जितना ही टाइम बताता, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वेटरी की क्लॉक रेस्ट में थी इसलिए इन तीनों क्लॉक्स के बीच प्रेजेंट टाइम को लेकर एक मत नहीं था। सभी क्लॉक्स अपनी अपनी राय अलग अलग अंदाजे में दे रही थी। अब ये तो हुई क्लॉक की बात, लेकिन हम इंसानों पर भी ये अप्लाई किया जा सकता है। नाउ इमेजिन करो कि आप रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठे हुए हो, वहीं आपका दोस्त अंकित ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है। ट्रेन लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है और अंकित ट्रेन के ऊपर बिल्कुल सेंटर पर मौजूद है। अब मान लेते हैं कि अंकित के हाथों में 2 लेजर बीम्स है जिसे वो ट्रेन के दोनों कोनों पर लगे पोल्स पर लाइट बीम फेंकता है, वो भी एग्जैक्टली सेम टाइम पर। अब देखो, ये लाइट बीम्स ठीक उसी समय पर एमिट की गई थी जब वो मूविंग ट्रेन आपके सामने से निकलती है और आप और अंकित एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब आप ये बताओ कि कौन से कोने पर लाइट पहले पहुंचेगी।
वेल दोस्तों, अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो क्योंकि आप उन लाइट बीम्स के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, तो आपको दोनों बीम्स सेम टाइम पर पहुंचती हुई नजर आएगी, लेकिन अंकित के लिए ये कंडीशन नहीं होगी। अब क्योंकि ट्रेन राइट की ओर मूव कर रही है, तो राइट वाली लाइट बीम की स्पीड में ट्रेन की स्पीड भी एड हो जाएगी, करेक्ट। और अंकित को वो वाली लाइट बीम पहले पहुंचती हुई दिखाई देगी, जबकि लेफ्ट वाली लाइट बीम से ट्रेन की स्पीड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और अंकित के रेफरेंस में वो बाद में पहुंचेगी। अब देखो, लाइट बीम तो एक ही टाइम पर दोनों पोल्स पर पहुंची थी, लेकिन आप दोनों के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई कि कौन पहले पहुंचा और कौन बाद में, उसकी वजह बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि दोनों पोल्स पर एक एक टॉर्च लगी हुई है और दोनों टॉर्च को एक साथ जलाया जाता है, और हाँ, इस बार आप और अंकित स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। अब ट्रेन के ऊपर बैठे अंकित तक तो ये दोनों टॉर्च फ्लैशेस सेम टाइम पर पहुंचेंगे, पर आपको वो फ्लैश पहले दिखेगा जिसकी डिस्टेंस आपसे कम होगी। इस कंडीशन में भी स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है और हमारा इवेंट भी एक साथ ही हो रहा है, पर दो इंसानों के रिलेटिव ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, यानी दोनों इंसानों के रेस्पेक्ट में ये एक साथ नहीं हो रहा है। फिजिक्स के इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। अब दोस्तों, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि ये यूनिवर्स स्पेस टाइम के फैब्रिक का बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस की है और 1 डायमेंशन टाइम का है, मतलब टोटल मिलाकर 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम होता है। स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें इन 4 डायमेंशंस को कंसीडर करना होगा। अब आप कहोगे कि कौशिक भाई, हम तो सिर्फ स्पेस की डायमेंशन से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं, राइट? और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टाइम को कंसीडर करने की क्या ही जरूरत है? वेल, इसको समझने के लिए चलो हम अपने फैन मीट में वापस लौटते हैं। मान लेते हैं कि हमारा फैन मीट मुंबई के ताज होटल में होने वाला है। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि भाई मैं ताज होटल में आ रहा हूं और आप सभी मुझसे मिलने आ सकते हो, तो क्या ये इनफ होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ पर आपका पहला सवाल होगा कि भाई आप कब और कितने बजे आओगे, ये भी तो बताओ। अब देखो, यहाँ पर सच में कोई फैन मीट नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। इस एग्जांपल से मैं ये प्रूव करना चाहता था कि यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें स्पेस के साथ साथ टाइम की डायमेंशन को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हम इंसान टाइम को एक सीधी लकीर मानते हैं जो कि रियलिटी नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई पास्ट तो जा चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता, और फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। जोक सपाट, कहने का मतलब ये है कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अलग अलग मानते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये मिथ पहले ही बस्ट हो चुकी है। आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सेपरेट नहीं कर सकते। यूनिवर्स स्पेस और टाइम की इनफाइनाइट स्लाइसेस में डिवाइडेड है और हम में से हर इंसान अपनी अलग अलग स्लाइस पर मौजूद है। ये किसी YouTube के वीडियो की तरह ही होता है जिसमें हजारों फ्रेम्स होते हैं। हम एक एक फ्रेम को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर फ्रेम्स पर पहुंच रहे हैं। पर यहाँ पर दुनिया के किन्हीं भी 2 लोगों के लिए स्पेस के कोऑर्डिनेट्स और वीडियो के टाइम फ्रेम सेम नहीं होते। मान लो कि आप फिलहाल 8 मिनट 40 सेकंड पर ये वीडियो देख रहे हो और कोई दूसरा इंसान भी एग्जैक्ट सेम फ्रेम पर ये वीडियो देख रहा है, तो आपका टाइम फ्रेम तो मैच हो रहा है, पर इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में उन 2 लोगों के स्पेस कोऑर्डिनेट्स तो सेम नहीं हो सकते, है ना? कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक इंसान के लिए प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की परिभाषा अलग अलग होती है। हम सभी कोई स्पेस टाइम को अपने फ्रेम में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा करंट टाइम ही हमारा प्रेजेंट है। अब दोस्तों, उस सवाल पर आते हैं जिससे हमारा सामना वीडियो के शुरुआत में हुआ था। अगर हम सभी फैन मीट कर रहे हैं और एक ही रूम में मौजूद है, तो क्या हमारे लिए वहां पर टाइम फ्रेम सेम है और क्या हम सब सेम प्रेजेंट में ही जी रहे होंगे? वेल, इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो। कर दिया कमेंट? चलो मैं बताता हूँ, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमारा प्रेजेंट निर्भर करता है उस चीज पर जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यूनिवर्स में ऑब्जर्वेशन की ये शक्ति हमें देती है लाइट। अब देखो, नो मैटर कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कितनी ही डिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे वो कई लाइट ईयर्स की हो या फिर कुछ नैनोमीटर्स की ही क्यों ना हो, लाइट को वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए समय तो चाहिए ही होता है, और यही समय हमारे लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स बनाता है और हमारे प्रेजेंट को एक दूसरे से अलग करता है। आपसे करीब 10 मीटर्स की डिस्टेंस में खड़ा मैं आपकी तरफ देखकर हाथ हिलाता हूँ।
अब दोस्तों ये मैं अपने प्रेजेंट में कर रहा हूँ, लेकिन जब ये एक्शन आपको दिखेगा तब तक ये मेरे लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन पास्ट बन चुका होगा। और जब मैं एक्चुअल में हाथ हिला रहा था तब आप अपने प्रेजेंट में जीते हुए एक फ्यूचर इवेंट का इंतजार कर रहे थे। खैर, क्या आपने कभी टाइम को इतनी गहराई से एनालाइज करने की कोशिश की है? वेल, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आया और टाइम के इस गोलमाल से दिमाग घूम गया तो जाकर इस वीडियो को जरूर देखना, यटी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ।